हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर्स के कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं और जिन्हें करने में थोड़ी सी वो लेंदी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इसमें टाइम लगता है। इसमें छोटे छोटे आपको ट्रिक्स बताती हूँ। तो मैंने तीन क्वेश्चंस लिया है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा ये है, तो इसमें हमें करना क्या है कि इसमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। ये है हमारा एक इक्वेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक 2x के नीचे जो है इतना बड़ा डिनोमिनेटर में इतने सारे टर्म्स हैं, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x, और ये नीचे है 1 माइनस x, ठीक है। तो पहले हम ये जो बड़ा वाला इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोग इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल, ये सारा टर्म इस साइड चला जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। आर यू गेटिंग? पूरा टर्म सेम टू सेम है, मैं ऐसे ही इसको पूरा ये क्रॉस हो गया, क्योंकि ये 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये और ये पूरा टर्म 1 इंटू दिस हो गया एंड 2x इंटू 1 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब हम ये नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसको अभी 1 प्लस ही लिख देते हैं, इसको 2x लिख देते हैं। तो 1 अपॉन, अब ये एलसीएम में 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस x है, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस x, तो 1 माइनस x प्लस x हो जाएगा। ऊपर नीचे वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसको सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम लेके। तो ये क्या क्या, 1 प्लस 1 अपॉन, अब ये देखिए ये यहाँ पे 1 माइनस x और प्लस x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस x बचेगा। तो जब हम इसको 1 अपॉन दिस है, तो हम इसको अगर हम इसको टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इसको हम लिख सकते हैं, ये चीज इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन दिस है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस x अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां मेरी बात समझिए, ये 1 के डिनोमिनेटर में ये पूरा है टर्म, तो ये जस्ट फ्लिप कर गया तो ये पूरा टर्म ऊपर चला गया, तो क्या आ गया ये। तो अब क्या हुआ, 1 प्लस 1 माइनस x, ठीक है। और इधर तो 2x था ही हमारा सब जगह, अब क्या हो गया, 2 माइनस x और 2x। अब ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, x क्या हो गया, 2 अपॉन 3। आपको ये बात ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? देखिए मैंने इसमें किया क्या, सबसे पहले फिर से आप एक बार देख लीजिए क्या किया इसमें मैंने, इसको पहले यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2x और 1, और ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हैं, ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरा टर्म इधर आ गया एज इट इज। उसके बाद मैंने कुछ भी टच नहीं किया, हमने क्या टच किया, ये जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 1 अपॉन, जो डिनोमिनेटर में ये टर्म, इस टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया। इस टर्म को कैसे किया, ये एलसीएम में क्या आ जाएगा, 1 माइनस x एलसीएम में आया तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये हो गया 1 माइनस x प्लस x, समझ रहे हैं आप। फिर ये x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस x। अब इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, इसको जब हम ट्विस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, फ्लिप करते हैं तो ये जस्ट ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x। अब क्या बचा रिमेनिंग टर्म, 1 प्लस 1 माइनस x, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 2 माइनस x, और 3x इक्वल x को इधर ले गए, 3x अपॉन 2 बाई 3।
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो ध्यान रखना, अगर आप इसको बहुत सारा चीज ऊपर नीचे करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले इसको स्टेप वाइज, और इसे आप दो बार जरूर लगाइएगा तभी ये क्वेश्चन आएगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी लेंथी है, देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ट्रिक, इसमें भी वैसे ही है, इतना टर्म है, देख रहे हैं आप यहां से यहां तक। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वाली चीज को सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं, तो ये पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट खोलते हैं, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ब्रैकेट लगा रहने देंगे प्लस सेवन। ये मैंने इसे सॉल्व ना करके इसको ओपन क्यों किया, क्योंकि यहां देखिए ये एक्स और यहां माइनस टू एक्स, थोड़ा सिंप्लीफाई अपने आप ही हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये राइट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, इसमें एलसीएम थ्री ले लेते हैं, ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री इंटू थ्री। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, ये एक्स माइनस टू एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन सेवन, ठीक है, इक्वल फोर एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन अपॉन थ्री, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन क्या है, अब ये देखिए, अब यहां पे एलसीएम लेते हैं, सेवन आता है, सेवन आता है तो ये क्या हो जाएगा, सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल फोर एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन और माइनस नाइन क्या हो जाएगा, थर्टी सिक्स अपॉन थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन और प्लस थ्री एक्स, फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर अपॉन सेवन इक्वल फोर एक्स माइनस थर्टी सिक्स अपॉन थ्री। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें एक सेकंड के लिए यहाँ पॉज करिए और यहाँ पे सोचिए आप, देखिए यहाँ पे भी आपको फोर कॉमन नजर आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फोर कॉमन ले लेंगे पहले। क्वेश्चन को देखिए कैसे सिंपल करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो फोर कॉमन लिया तो क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन सेवन, नीचे का अभी कुछ नहीं टच करेंगे, यहां भी फोर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस नाइन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स होता है और ये है थ्री। अब ये फोर इस फोर से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास रिमेनिंग टर्म, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन सेवन इक्वल एक्स माइनस नाइन अपॉन थ्री। क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप इसको पूरा ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे भी आप कर सकते हैं पर ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता, तो हम यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए कैंसिल करने से हमें बड़े 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 नंबर्स नहीं मिले, जिसे हमें सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होगी। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस एक्स माइनस वन इक्वल सेवन एक्स माइनस नाइन, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल सेवन एक्स माइनस सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री। अब एक्स टर्म को इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी प्लस सेवन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेवन एक्स, सॉरी ये माइनस सेवन एक्स हो जाएगा और माइनस सिक्सटी थ्री, और माइनस थ्री इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री। इम्प्लाइज दैट का साइन जरूर लगाना है, तो ये क्या हो गया, माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स क्या हो गया, माइनस टेन एक्स इक्वल माइनस सिक्सटी थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस सिक्सटी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, टेन एक्स इक्वल सिक्सटी, तो एक्स इक्वल क्या हो गया, सिक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर, समझ गया। यहाँ पे एक ही चीज ध्यान देनी है कि हमें क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखना है, क्या करने से क्या होने वाला है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसलिए स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया है क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको ओपन कर दिया तो
मेरा क्वेश्चन छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया। फिर हमें यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे हमें कॉमन लेने से मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया और बहुत इजी वे में सिंप्लीफाई हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आपको देखिए ये क्वेश्चन है, बीना बॉट एम पेंसिल्स एट एन पे पैसे ईच, एन पैसे ईच, हाउ मच चेंज डिड सी गेट बैक इफ सी पेड ₹20। ठीक है, तो बीना बॉट एम पेंसिल्स, सबसे बड़ी चीज, एंड एट एन एन पैसे ईच, वर्ड देखिए, ये ईच वर्ड में बहुत कुछ लिखा, मतलब ईच मीन्स वन पेंसिल की प्राइस क्या है, एन पैसे। तो देखिए प्राइस ऑफ वन पेंसिल एन पैसे, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे इसको, प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज एन पैसे, प्राइस ऑफ एम पेंसिल क्या हो जाएगा, एन इंटू एम पैसे हो जाएगा। बीना बॉट एम पेंसिल सी स्पेंट, तो कितने पैसे खर्च किए उसने, प्राइस ऑफ एम पेंसिल थी एम एन, तो एम एन पैसे खर्च किए, और सी पेड, सी पेड ₹20, उसने पे किया ₹20, तो ये रूपी में है, तो हमें इसे, इस पैसे को रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रूपी में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन अपॉन 100 रूपी। कैसे आया ये, हमें पता है ₹1 इक्वल 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको लिख के दिखा रही हूं, इसलिए 100 पैसे इक्वल 1 रूपी, तो एम एन पैसे कितना हो जाएगा, 1 पैसे इक्वल क्या हो जाएगा, 1/100 रूपी। तो एम एन पैसे क्या कितने हो जाएंगे, एम एन अपॉन 100 रूपी। इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। सी पेड कितना, 20 रूपीज, ठीक है। तो अभी क्या है, पूछ रहा है हाउ मच चेंज सी गेट बैक, तो क्या हो जाएगा, कितना वापस उसे मिले, गेट बैक कितना हुआ उसको, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी गेट बैक 20 - mn/100, क्योंकि इतना उसने खर्च किया था और इतना उसने पे किया रूपी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम पैसे में आया था ये, इसलिए 20 - mn नहीं कर सकते थे, उसको रूपी में चेंज करना पड़ेगा। दिस इज आवर आंसर। मुझे लगता है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी, फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट एनी अदर टॉपिक प्लीज कमेंट, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।